देखिए यहाँ पे मोगा आके सबसे पहले तो बड़ा खुश हूँ मैं। उसका रीज़न, जैसे ही मैं मोगा पहुँचा, ये जो प्यार देखा मैंने, सबके चेहरे पे खुशी है और बहुत दिल से मेरी खुश आमदीद की है, तो हमेशा अच्छा लगता है। देखिए दिल से प्यार मिलता है जहाँ पे भी, बहुत अच्छा लगता है। और मोगा आके मुझे ऐसा लगा कि यार दोबारा आना चाहिए। हालांकि मेरा ये बहुत क्विक ट्रिप है, इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड करूँगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताऊँ यहाँ पे। स्कूल की तरफ से जो गेम करवाई जा रही है, और लोगों को क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए BBS स्कूल में ये जो ये तो 16वां एडिशन है, बहुत सारी गेम्स हो रही है यहाँ पे। मैंने देखा जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, एक बात तो साफ नज़र आई है कि यहाँ पे इस कल्चर को डाला गया है स्कूल में लगातार। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। मैं तो हालांकि 10 तक ही पढ़ाऊँ, और उसमें मैंने जो पढ़ाई की, सारी पढ़ाई मेरी क्रिकेट के थ्रू हुई है। मैं लकी था कि मैं ट्रैवल कर सका, मुझे अलग अलग एक्सपोजर मिला। लेकिन स्कूल में अगर इतनी सारी गेम्स होती हैं, तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को, और बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के पता चल रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है और बाकी एक्टिविटीज़ भी हो रही है। आज के यूथ को क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? आज के यूथ को देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और सभी का एक्सपोजर बढ़ गया है, और सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है हर किसी की ज़िंदगी में, तो वहाँ पे अपने आप को एक रियलिटी के साथ आगे बढ़ा के मेहनत करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी फैमिली को हमेशा वैल्यू दीजिए, क्योंकि अगर इतना सारा जो लाइटें लगती है सोशल मीडिया में, और आपको लगता है कि वही रियलिटी है, लेकिन असली रियलिटी जो है वो आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, आप आपकी फैमिली के साथ रहेंगे, तो आपको ना तो कभी किसी डिप्रेशन का सामना करना होगा, ना तो फिर आप किसी मुसीबत से ज़्यादा देर तक अकेले लड़ेंगे। तो फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी है। सर, क्रिकेट को ज़्यादा प्रफुल्लित करने के लिए और क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए जो नहीं उठाए? देखिए क्रिकेट तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत आगे बढ़ रहा है, और अभी और उसका ग्रोथ होना बाकी है, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बाकी स्पोर्ट्स में तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हम दे रहे हैं, और अगले 10 साल में मुझे लगता है कि जो हमारा मुल्क है भारत, वो एक स्पोर्टिंग नेशन बन के उभर आएगा। जो नौजवान नशों में लिप्त हैं पंजाब में ज़्यादा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए ज़िंदगी से बड़ा नशा कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी का नशा करिए बाकी नशे। मैं जहाँ पे जिस मुकाम पे आज पहुँचा हूँ, मैं मुल्क को खेला हूँ, मैं गुजरात बड़ौदा जैसे छोटे शहर से आया हूँ, मैंने ना आज तक कभी शराब पी है, ना तो कभी सिगरेट का नशा किया है। मैं हमेशा, और यही बाकी जो मेरे नौजवान बच्चे हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप अगर ज़िंदगी का नशा करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपना स्पोर्ट्स कुछ पकड़ लीजिए, आप स्पोर्ट्स के पीछे भागिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें जो आपको कामयाबी मिलेगी, खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ और कहीं पे नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो नशा आप करते हैं वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स, वो आपको पूरी ज़िंदगी भर उसका फ़ायदा देती है। तो आप ज़िंदगी का नशा करिए, बाकी नशे छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है कि कुछ कलकत्ता टीम की द्वारा जो है क्रिकेट प्लेयर्स की खरीदो फरोख्त की जा रही है, उसको आप कैसे देखें? क्या क्या करके जा रहे हैं क्रिकेट? नहीं, यूसुफ पठान और इरफान पठान, अपना कोई जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो क्रिकेट में आपके चला है। देखिए हमारा एक्सपीरियंस तो, हमने जो शुरुआत की थी क्रिकेट की, जिस मैदान में हमने क्रिकेट की शुरुआत की थी, ना तो उस पिच पे, वहाँ पे कभी हमने टर्फ विकेट देखी थी, ना तो मैदान में हमने घास देखी थी, हम सीमेंट पिच पे खेल के बड़े हुए। और एक बात है जो आजकल के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, हम खुद रोलिंग करते थे पिच को, आधा घंटा पहले सबसे पहले आना, रोलिंग करना, मैटिंग लगाना, नेट लगाना, और उसके बाद फिर बैटिंग करना, बॉलिंग करना, वो जब ख़त्म हो जाए सबसे पहले आना, और ख़त्म होने के बाद सबसे आखिर में निकलना मैदान से। और इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे और मेरे भाई को कामयाबी के लिए जो कामयाबी थी, मेरी नहीं सर, मेरी कोई राजनीति में आने की कोई अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हार गया, लाखों लोगों का दिल टूटा है, आप भी खुद सर, हमारा भी दिल टूटा है, हमारी जो टीम है जो लड़ रही थी, जो मेहनत कर रही थी, उनका भी दिल टूटा है। उम्मीद यही करेंगे आने वाले वक्त में इसको जोड़ा जाए, अच्छा क्रिकेट खेल के, जो अच्छा क्रिकेट खेली। सर जी, आपके फैन सर, पहला तो चैनल के सारे दर्शकों को जी आयान जी, और जड़ियाँ गेमां कराइया जा रही साड़िया 16th BBS गेम्स ने जी, यह 2023 वाली, और पिछले असी 15 साल तो करवा रहे हैं, 16वीं ने, और ये असी इस साल असी इन्हों दो फाइनल्स में दो हिस्सों च वंडिया, शुरू तो यह 15-16 दिन तो हो जाए,
और ये जो पहला सैशन से कल का वो जूनियर का सी, अज सीनियर का सी। कल साढ़े को हरजीत सिंह जी आए थे हॉकी के कप्तान रहे, जेडे अपने जूनियर के वर्ल्ड कप विजेता, वो चीफ गैस सन। अज साढ़े को रनोन्ड क्रिकेटर इरफान पठान आए थे, वो चीफ गैस सन अज के डेट दिन के। और टोटल जड़िया गेमां ने ये साढ़ा ये ओवरऑल डिवेलपमेंट पर फोकस होंदे हुए जेडे अकैडमिक अचीवर्स ने साढ़े उन्होंने अच्छ असी मतलब अवार्ड देना होंदा है, उन्होंने ट्रॉफीज देनिया होंदिया ने। प्लस साढ़े को जड़िया है वो 38 इंडिपेंडेंट गेम्स है जी और 22 ट्रैक एंड फील्ड ईवेंट्स है। 60 चॉइसिस के नाल बच्चा खेडता जी वो कैंपस के जोड़े मैडल स्टेक के होंगे 230 गोल्ड, 230 सिल्वर, 230 ब्रोंज मैडल होंगे। उस तो अलावा अकैडमिक ट्रॉफीज वक्रिया ने, अलग अलग जोड़े गेम्स के जोड़े मैन ऑफ द मैच या बेस्ट प्लेयर्स ने वो वक्रे अवार्ड्स ने। और मैं समझदा कि ये की है कि जरा गेम्स ने उन्होंने प्रमोट करने कि बच्चों की जी एनर्जी है उन्होंने चैनलाइज करना बनता साडा बीइंग एन एजुकेशनिस्ट। और इस मैं कहना बच्चे का जरा सर्वपक्षी विकास जो हों ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होंगी है तो वो बच्चा एक निखर के सामने आता तो वह एक नेशन का एसेट बनता है, देश का एक एसेट बनता ना कि लिबिलिटी बनता है। सो मैं मानता कि साडा जो एनुअल स्पोर्ट्स है वह एक बैलेंस है, उस कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ ने, बहुत सारिया गेमां ने, प्लस वो जो बच्चे अपन पोइम्स वगैरह या स्पीचस वगैरह देंगे ने। उस तो अलावा गेम्स के नाल साडा जो एक सोविनियर होंदा हैगा जो सनबीम जिदा नाँ हैगा उहदा भी असी ऐतकी जिहड़ा हैगा पर्दारोपण किया हैगा और वह भी लगातार हुण इह 15वें सनबीम ते पहुँच गया। सर इरफान पठान ने काफ़ी मोटीवेट किया बच्चों को खेलों के प्रति जाने? हाँ जी बिल्कुल, जो इरफान पठान जी है जी वह भी एक बड़ी ही स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड तो आते हैं और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उन्हें जोड़ा है क्लीयरली किया है, कहता भी मैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़े हाँ पर जो भी इंग्लिश मैनू आँदी है ज मेरे को जो कम्यूनीकेशन स्किल्स ने वो मैंने स्पोर्ट्स ने दते ने जो घूम घूम के मैं स्पोर्ट्स खेडी है। और वो कहते भी जो मेरी आइडेंटिटी है जिते मैं पहुँचा हाँ वो मैनू मेरी स्पोर्ट्स ने दिता है। और उन्होंने बच्चों को यही प्रेरित किया कि तुम अपना फोकस रखो और कदे भी गिव अप नहीं करना, माइंड में कदे गिव अप नहीं करना, तुम वो गिव अप नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो सफलता तुहाडे कदम पवेगी। ये उन्होंने मैसेज से सारे बच्चों को।